I have a demographic data of 195 countries, country name, country code, birth rate, internet users, and the various income group, which is high income, low income, upper middle income, and lower middle income. So basically, when we have large amount of data with us, to interpret it in a better way, we use graph or hum pivot tables use karte. Ek aur cheez hai conditional formatting, which is one of the basic features of Excel, jisse hum apne data ko in a nice, in a better way interpret kar sakte. Now, let's say suppose we'll go by examples. First, mujhe apne birth rate wale column ko, suppose mujhe top 5 birth rate countries ko highlight karne. So for that, what I'll do is home tab, conditional formatting. यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स है, यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं, सो आई विल एक्सप्लेन ईच ऑप्शन टू यू. सपोज मुझे वैल्यूज़, वो सारे बर्थ रेट वैल्यूज़ विच आर ग्रेटर दैन 50, वो मुझे हाईलाइट करना है, सो आई कैन यूज़ दिस ग्रेटर दैन वैल्यू. यहाँ पे आई कैन सिंपली पुट द नंबर, सपोज ग्रेटर दैन 50, तो जहाँ पे भी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 50 होंगे वो सारे सेल्स हाईलाइट हो जाएंगे. अब वो जो हाईलाइट करने का ऑप्शंस है उसको भी आई कैन फॉर्मेट. सपोज लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट है, यहाँ पे ये ऐसा यहाँ पे आ रहा है. इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज इट और आई कैन कस्टम फॉर्मेट इट ऑल्सो. ये मेरा हो गया फॉन्ट, द पर्टिकुलर फॉन्ट विच आई वॉन्ट, या फिर मुझे बॉर्डर चाहिए सेल का, या फिर मुझे कलर चेंज करना है सेल का. तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, यू कैन डू इट द वे यू वॉन्ट टू. ये एक पर्टिकुलर केस हो गया. देन इफ यू वॉन्ट, जैसे ग्रेटर दैन है वैसे ही लेस देन है. अगर बिटवीन, सपोज मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू हाईलाइट द सेल्स बिटवीन 30 to 50, सो आई विल यूज़ बिटवीन वाला ऑप्शन. अगर मुझे वो सेल्स हाईलाइट करें विच आर इक्वल टू 50 सपोज, तो आई कैन यूज़ दिस ऑप्शन. टेक्स्ट दैट कंटेन्स, दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट कॉलम विच आई हैव सिलेक्टेड, तो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा. डुप्लीकेट वैल्यूज़ में क्या होते हैं, वो सारे वैल्यूज़ विच आर रिपीटिंग इट सेल्फ, वो सारे वैल्यूज़ हाईलाइट हो जाएंगे. सो इफ आई सिलेक्ट डुप्लीकेट वैल्यूज़, यहाँ पे यू कैन सी ऑल द वैल्यूज़ विच हैव बीन हाईलाइटेड, दीज आर द डुप्लीकेट वैल्यूज़ विच आर गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू नो इज़ दैट जहाँ पे भी हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, पहले हम वो सारा सेल्स को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने का शॉर्टकट इज़ we place the cursor over here, control shift down, this is the shortcut we use to select the entire column. ab mujhe is pe suppose top 10 items ko highlight karna hai ya fir top 10%, I can change this also, I can make it top 5 cells which jo mujhe highlight karna hai, ya fir I can make it top 5% of the values which I want to highlight. So it depending upon क्या हमें चाहिए output, कैसा हमें अपने format करने अपने data को according to that we can use these different features. Similarly above average हो गया, above and below average हो गया, पूरे column का average calculate होगा and उसके बाद वो सारे cells जो above average है या फिर below average है वो सारे cells highlight हो जाएंगे. So let us highlight top 5% of the data. I'm using this default format which is given over here. I can change it also using custom format. मैं इस पे छोड़ रही हूँ उसको अभी. तो top 5% of the values यहाँ पे हमारे highlight हो गए. If you can see. Top 5% of the values have been highlighted. और भी बहुत सारे interesting rules हैं. Suppose मुझे चाहिए data bars. Now data bars is like the bar chart or the column chart we use. This is basically for small amount of data. We have 195 rows over here. जब हमारे पास 20 या max to max 30 rows होते हैं तब हम जनरली डेटा बार्स यूज़ करते हैं. डेटा बार्स कैसे यूज़ होते हैं, इफ़ यू कैन जस्ट सी, जो मेरा यहाँ पे बन गया है एक पूरा पर्टिकुलर कॉलम.
सो बेसिकली क्या हो गया, एक मेरा बार चार्ट के जैसा बन गया, 5.9, 78.8, 78.9. सो बेसिकली आई हैव क्रिएटेड अ बार चार्ट ओवर हियर एंड अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन से कि 84.2 यूनाइटेड स्टेट्स का इंटरनेट यूजर इंटरनेट कंजम्पशन इज़ रियली हाई. सो ऐसे करके आई कैन जस्ट सिंपली यूज़ डेटा बार्स और बार चार्ट टू हाईलाइट माई सेल्स. नाउ इफ आई वॉन्ट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग, व्हाट आई हैव टू डू इज पहले मुझे वापस सारा सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, पूरा कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा. उसके बाद आई विल गो इन मैनेज रूल्स. यहाँ पे हम इस पूरे कॉलम में हमने खाली एक फॉर्मेट यूज़ किया, दैट इज़ डेटा बार. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा बार, और जो हमने सिर्फ एक फॉर्मेटिंग किया था इस पूरे कॉलम में, हम एक कॉलम से एक से ज़्यादा फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं, आई जस्ट सिलेक्ट दिस बॉक्स एंड इसे आई कैन सिंपली डिलीट. अब ये हमारा रूल डिलीट हो गया, ओके, एंड द डेटा बार्स आर गॉन. सिमिलरली वी हैव कलर स्केल. सो बेसिकली क्या होता है, अगर ग्रीन हम सिग्निफाई करें हाईएस्ट वैल्यूज़ के लिए, येलो हम सिग्निफाई करें मिडिल मोस्ट वैल्यूज़ के लिए, एंड रेड हम सिग्निफाई करें लोअर मोस्ट वैल्यूज़ के लिए. सो फॉर दैट ऐसे हम अपने डेटा को सिग्निफाई कर सकते हैं, एकदम डार्केस्ट ग्रीन विल बी द हाईएस्ट वैल्यूज, एकदम डार्केस्ट रेड विल बी द लोअर मोस्ट वैल्यूज, एंड येलो विल बी द मिडिल वैल्यूज. वी कैन ऑल्सो मैनेज मोर रूल्स में जाके हम अपने नए खुद के रूल्स भी बना सकते हैं. सपोज आई वॉन्ट अ थ्री कलर स्केल, मुझे थ्री कलर स्केल चाहिए. सो वॉट आई कैन डू इज ओवर हियर, अगर मुझे लोएस्ट वैल्यू को रेड करना है एंड पर्टिकुलर नंबर लेट्स से सपोज 50, उसको येलो एंड हाईएस्ट वैल्यू को ग्रीन, देन यू कैन सी आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल कॉलम जहाँ पे सारे हाईएस्ट वैल्यूज आर मोस्टली ग्रीन, मिडिल मोस्ट वैल्यूज आर इन द शेड्स ऑफ येलो एंड द लोअर वैल्यू आर इन द शेड्स ऑफ रेड. अगेन दिस इज़ यूज फॉर डेटा विच हैज़ ओनली 20 to 30 रोज. यहाँ पे वी हैव 195 रोज, सो इसको इंटरप्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए इफ़ वी यूज दिस कलर स्केल. Simply we'll delete this. We can go for new rule. Next we have icon sets. यहाँ पे क्या होते हैं, we have different icons over here. अगर हम ये वाला icon select करें, three arrows, basically जो एरो अपसाइड फेस करे ग्रीन कलर का, दैट सिग्निफाइज द हाईएस्ट वैल्यूज वी हैव. द येलो रोज पॉइंट एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट सिग्निफाइज द मिडिल मोस्ट वैल्यूज, एंड द रेड एरोज सिग्निफाइज द लोअर वैल्यूज. अगेन वी गो कैन गो फॉर द मोर रूल्स एंड वी कैन मैनेज और चेंज और कस्टम फॉर्मेट आर ओन रूल्स. आइकन में हम रोल एरोज को सिलेक्ट कर सकते हैं. टॉप जो ग्रीन वाला एरो है, अपसाइड एरो है, सपोज मुझे वो सारे वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 60 उनको इससे हाईलाइट करना है. येलो को मुझे हाईलाइट करना है ऑल द वैल्यूज विच आर लेस देन 60 एंड मोर देन 30 उनको मुझे येलो से हाईलाइट करना है, एंड बाकी जो सारे वैल्यूज 30 से कम है वो सारे वैल्यूज रेड से हाईलाइट हो जाएंगे. तो एक एग्जांपल लेके देखो, दिस इज बिटवीन 30 to 60, तो यहाँ पे येलो एरो से हाईलाइट हो गया. अगेन दिस रूल दिस फॉर्मेटिंग इज यूज्ड फॉर रोज विच आर फॉर द डेटा विच हैज 20 to 30 रोज.
नॉट फॉर सच ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. हम यूज कर सकते हैं नो डाउट, ताकि हमें एक इन डेप्थ नॉलेज मिल जाए डिफरेंट कंट्रीज का कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं. नेक्स्ट वी कैन गो, सपोज आई वॉन्ट टू हाईलाइट ऑल द इनकम ग्रुप, जहाँ लो इनकम ग्रुप, तो जहाँ पे भी वर्ड लो आ रहे मुझे उसे हाईलाइट करना है. तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट माई इंटायर कॉलम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट रूल्स, टेक्स्ट दैट कंटेन्स लो. तो अब सारे लो इनकम ग्रुप्स मल्टीप्लाई, सारे लो इनकम ग्रुप्स अब यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, सारे लो इनकम कंट्रीज यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज वी कैन यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, आई हैव टू सिलेक्ट द इंटायर टेबल. इंटायर टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टेबल के फर्स्ट वाले सेल पे हम अपना कर्सर रखते हैं एंड कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, सो दैट हमारा पूरा टेबल एक ही शॉर्टकट की से सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल प्लस ए. कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स, अभी सारे तीनों रूल्स जो मैंने अपने टेबल में यूज़ किए वो यहाँ पे आ गए. नाउ इफ आई वॉन्ट टू डिलीट दिस रूल, आई कैन सिंपली क्लिक ओवर हियर एंड डिलीट. और इफ आई वॉन्ट टू एडिट माई रूल, आई वॉन्ट टू चेंज द फॉर्मेटिंग, और आई वॉन्ट टू चेंज सर्टन स्पेसिफिक टेक्स्ट. अगर अब मुझे हाई इनकम के लो इनकम के जगह हाई इनकम ग्रुप हाईलाइट करना है, सो आई कैन चेंज माई रूल्स अकॉर्डिंग टू दिस. और इफ आई वॉन्ट अ न्यू रूल, आई कैन सेलेक्ट दिस न्यू रूल टैब. दिस वॉज द बेसिक वीडियो ऑन हाउ टू यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड मेक योर डेटा मोर इंटरेस्टिंग, सो दैट द पर्सन हु इज यूजिंग योर डेटा, सो दैट द पर्सन हु इज इंटरप्रेटिंग योर डेटा कैन इंटरप्रेट इट इन अ बेटर वे. थैंक यू.